कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मजे में होंगे। भाई सर्दी भी काफ़ी है तो ठंड से बचने के लिए कवर करके रखना अपने आप को। तो गाइस आज हम आए हैं दिल्ली में, और दिल्ली किस वजह से आए हैं, क्योंकि आज हमारा दिल्ली में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इस वजह से हम लोग दिल्ली आए अपनी पूरी टीम के साथ। और यहाँ हमारा फंक्शन है, जग्गा फैमिली ने हमें माता रानी के प्यारे से कीर्तन के लिए बुलाया है। तो गाइस काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि जानवी कैसी है। जानवी बिल्कुल ठीक है, जानवी की छुट्टियां चल रही हैं और जानवी अपनी छुट्टियां घर पे ही मना रही है। अभी तक हम कहीं गए नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी जाएंगे। तो गाइस अभी हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं, उस लोकेशन का फ़ोन आ रहा है यार, फ़ोन जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं वो पीरागढ़ी से बिल्कुल सामने वाले रूट पे पश्चिम बिहार। और पश्चिम बिहार में हमारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और जिस बैंक्वेट हॉल में हम खड़े हैं, बैंक्वेट हॉल के बाहर खड़े हैं, उस बैंक्वेट हॉल का नाम है मैपल गोल्ड 5-स्टार बैंक्वेट। देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, लेकिन पार्किंग तो है बैक साइड में। और अभी यहाँ सरदार जी जो गाड़ी पार्किंग में लगवा रहे हैं, वो काफ़ी देर से बोल भी रहे हैं कि पार्किंग से या पार्किंग में गाड़ी लगाओ, पर हमने लगाई नहीं है। ये हमारी गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है, और आप गाड़ी हमारी देख रहे होंगे, प्यारी सी गाड़ी, हमारी गाड़ी 9000 नंबर। तो भाई अभी अंदर चलेंगे, अभी बाहर का दृश्य दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैपल गोल्ड 5-स्टार बैंक्वेट, कितना प्यारा व्यू है बाहर। और ये बाहर चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो गाइस बैंक्वेट के बिल्कुल बाहर फाउंटेन आप देख रहे होंगे, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना प्यारा व्यू। और भाई इस फाउंटेन ने तो बैंक्वेट हॉल की शोभा को और भी बढ़ा दिया। तो अभी आप सामने लाइटिंग देख रहे होंगे, कितनी प्यारा व्यू है यहाँ का। और यहाँ अंदर चलेंगे, अभी आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या सुविधा है। और देखो बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, तो अंदर कितना अच्छा लगेगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो गाइस यहाँ बैंक्वेट, एक तो यहाँ से रास्ते हैं और ये यहाँ, तो दो रास्ते बनाए हुए हैं। पर हमारा जो कीर्तन है माता रानी का, वो राइट साइड में यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ एक बार यहाँ दिखाना, देखो कितना प्यारा माता रानी की चौकी एंड डिनर, हॉल नंबर 5 में हमारा कार्यक्रम है, ग्राउंड फ्लोर, होस्टेड बाय जग्गा फैमिली। आओ एंट्री करते हैं। तो भाई यहाँ एंट्री हमारी हो चुकी है, और यहाँ प्यारे प्यारे फ्लावर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ दिखा रहे ऊपर कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, भाई सुंदर सी लाइटिंग, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और अभी चलते हैं अंदर। तो भाई सच में बैंक्वेट हॉल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और यहाँ हमारे सरदार जी जूता सेवा कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी सेवा होती है, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। देखो सबसे बड़ी सेवा होती है जो मतलब जूते सेवा करते हैं, तो ये माता रानी के कीर्तन में बाहर जूतों की सेवा कर रहे हैं। सलाम है सत श्री अकाल। तो गाइस अंदर जाने से पहले तो मैं भूल ही गया था, यहाँ हमारे अंकल जी देखो सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, और अंकल जी की मूछें देखो कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। कितना टाइम हो गया अंकल जी आपको बढ़ाए? 5 से 6 साल में मतलब कभी क्रॉप नहीं करवाई आपने? वाह जी वाह, अंकल जी की मूछें देख लो भाई। तो अंकल जी यहाँ बाहर खड़े हो गए, जो भी आने जाने वाले भक्त लोग हैं, क्योंकि जागरण है तो फिर भक्ति होंगे सभी, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ मिलवाता हूँ आपको हमारी म्यूजिशियन टीम पूरी, ये जतिन भाई और ये अंकित और ये हिमांशु। हिमांशु को 2-3 ब्लॉग में आप पहले भी देख चुके हो, यहाँ ये पूरी धमाल मचाने वाले हैं माता रानी के कीर्तन में। तो अभी खाने की स्टोर लग चुकी है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं चिल्ला,
भाई अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे भाई। और यहाँ भैया लोग टिक्की, ये रही टिक्की, यहाँ आप देख रहे होंगे भाई मुंह में पानी आ गया होगा। जिन जिनको टिक्की अच्छी लगती है तो वहाँ देखो दही बल्ले भाई, दही बल्ले किन किन को अच्छे लगते हैं जरा कमेंट में बताना। ये देखो दही बल्ले, पर अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर में देखते हैं। एक बार तो खा चुके हैं वैसे हम। और यहाँ गोल गप्पे, तो ये तीन तरह का पानी रखा हुआ है, एक मीठा और दो नमकीन पानी, ये ग्रीन और ये येलो और वो रेड। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बाहर क्योंकि मेरी गाड़ी लॉक नहीं की थी मैंने, और क्योंकि गाड़ी में कुछ सामान भी था। तो एक व्यू और आपको दिखाता हूँ, देखो एक ग्रीन रंग के पौधे तो हरे भरे होते ही हैं, पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इन ग्रीन रंग के पौधों पर ग्रीन रंग की लाइटिंग जो की हुई है ना, जबरदस्त भाई, कमाल की लाइटिंग की हुई है। और यहाँ देख सकते हैं आप सभी भाई, कमेंट में जरूर बताना कि कितना प्यारा व्यू और किन किन को अच्छा लगा। तो अभी अंदर का आपको दृश्य दिखाऊंगा भैया, अंदर की जो डेकोरेशन की हुई है, डेकोरेट किया हुआ अंदर, वो बाकमाल यार, मजा आ गया देख के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीन रंग के पौधों पे, हरे भरे पौधों पे ग्रीन रंग की लाइट, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और अभी मैं पहले अंदर का आपको दृश्य दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाऊंगा। तो आज अभी आपको ना माता रानी का भवन भी दिखाऊंगा कितना प्यारा। देखो आप ब्लॉग तो बहुत सारे आपने पहले भी देखे, लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो माता रानी की पूजा करते हैं। तो आपको माता रानी का भवन भी दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा भवन है। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है अंदर का दृश्य है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी प्यारी लाइटिंग के साथ झूमर लगे हुए हैं, और बिल्कुल सामने आप देखेंगे कि माता रानी का पंडाल लग चुका है। पर मैं आपको ये व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, ये बैंकेट हॉल के अंदर का ये व्यू है। तो यहाँ बैठने की सुविधा भी है, जैसे मतलब काफ़ी लोग हैं जो चेयर पे बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए यहाँ चेयर लगाई हुई है। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर मॉकटेल स्टॉल पर, और यहाँ फ्लेवर देखते हैं कौन सा बेस्ट है भैया। चलो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट करके देखते हैं, तब तक ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि माता रानी का प्यारा सा भवन, और टेस्ट करके देखते हैं। वो यार भैया बहुत अच्छा है। अंकल जी मॉकटेल चल रहा है, आप भी ले लो। कौन सा फ्लेवर लोगे? मैं स्ट्रॉबेरी लिया। पर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ये यतिन भाई हैं, ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं, और आप इनको फर्स्ट टाइम ब्लॉग में देख रहे हो, पर अभी जब म्यूज़िक बजाएंगे ना, इतना ज़बरदस्त बजाएंगे, वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और तो गाइस ये है अंदर का व्यू, और देखो सुंदर सुंदर लाइटों से जगमगाता ये व्यू, और कितना प्यारा व्यू भाई। मैं तो यहाँ पे चेयर पे आके बैठ गया क्योंकि सारे रास्ते गाड़ी चलाई, और गाड़ी चलाते चलाते आपको पता है कि दिन थकावट हो जाती है। पर आपको मैं अभी दिखाता हूँ अंदर का व्यू, कितना प्यारा व्यू है देखो। आप ये सोच रहे होंगे ना यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन हम लोग पहले पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ काफ़ी सारी ऑडियंस आने बहुत सारी बाकी है। और क्योंकि बाद में शोर हो जाएगा, मुझे ब्लॉग बनाने का मौका मिला, मैंने कहा फटाफट से ब्लॉग बनाते हैं प्यारा सा, और बाद में तो शोर शराबे में समझ आएगा यहाँ नहीं आएगा। तो भैया गाइस अभी एंट्री हो चुकी है माता रानी के भवन की, और अभी चलते हैं कि माता रानी का प्यारा सा भवन आपको दिखाएंगे। पर कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना आप, क्योंकि जब माता रानी के दर्शन होंगे तो जय माता दी लिखना बनता है। तो अभी सबसे पहले ना ऊपर का दृश्य दिखाओ भाई, ऊपर की लाइटिंग देख सकते हो आप कितनी प्यारी है, और ये माता रानी का इतना प्यारा सा पंडाल सजा हुआ है। अभी आप चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। तो गाइस यहाँ माता रानी का भवन सज धज कर तैयार हो चुका है, आप सभी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरी और कैमरा करूँ, मैं जय माता दी बोल दूँ पहले। जय करम शेर वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। तो आप भी लिखो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय माता दी। तो यहाँ ये माता रानी का प्यारा सा भवन देख रहे हैं,
और अब ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले का दृश्य है। जब प्रोग्राम शुरू होगा तो ये माता रानी की पावन ज्योत भी प्रज्वलित होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ माता रानी का पावन दरबार, और इसके बैक जो माता रानी का पावन दरबार है उसके बैक साइड में भी देख सकते हैं आपकी फूलों से सुसज्जित ये माता रानी का प्यारा सा भवन। भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंडाल ही इतना खूबसूरत है तो भवन तो माता रानी का जगमगाएगा ही। और यहाँ माता रानी का प्यारा सा दरबार, और ये माता रानी के स्वरूप के पीछे गोल चक्कर घूम रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना ज़बरदस्त। और यहाँ माता रानी को फूलों से सजा रखा है। तो अभी थोड़ी देर में गाइस यहाँ माता रानी का पावन, माता रानी की चौकी स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ इसी पंडाल के अंदर मैं सुंदर सुंदर भजन भी गाऊंगा माता रानी को। बहुत सारे भक्त लोग नाचेंगे झूमेंगे और मैं माता रानी का पावन गुणगान करूंगा। तो आप ब्लॉग देख रहे हैं, देखो कितना प्यारा ब्लॉग, आज माता रानी के आप सभी दर्शन कर रहे हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई काफ़ी लोग मतलब जाह्नवी के ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, पर जाह्नवी भी आएगी, जल्दी आएगी। अभी आप देखो कितना प्यारा दृश्य आपको हमने दिखाया, आज हमें बहुत आनंद आया। देखो कितना प्यारा यहाँ से पंडाल दिखाओ, ये तो कितना प्यारा पंडाल सजा हुआ है, और आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो सबसे बड़ी बात है तो यहाँ शांति अभी इसलिए है क्योंकि अभी बहुत से लोग पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचने का टाइम है। जब कीर्तन स्टार्ट होगा माता रानी का तो पहुँच जाएंगे सभी। तो अभी हम क्योंकि अभी मुझे भी जाना है, ड्रेस चेंज करेंगे क्योंकि जब आपको पता है कि कीर्तन हो, जागरण हो, और तो ड्रेस कोड रहता है हमारा, तो शेरवानी के साथ आज माता रानी का पावन गुणगान करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में गुणगान शुरू होगा। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट व्लॉग में माता रानी का ये पूरा कार्यक्रम जरूर देखें, और ये व्लॉग आप में से किन किन को अच्छा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना। भाई कमेंट में जय माता दी लिखना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाह्नवी की ओर से भी, मेरी प्यारी गुड़िया की ओर से भी आपको मैं जय माता दी बोल देता हूँ। तो आप कमेंट में जय माता दी लिख देना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज का व्लॉग फिलहाल यहीं एंड करते हैं, एक बार और दर्शन करवा देते हैं आपको माता के। तो आपने देखा माता रानी का प्यारा सा स्वरूप, और ये वैष्णो माता का स्वरूप देख रहे हैं आप। और तो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, पर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी पूरी सिंगिंग परफॉर्मेंस और पूरे पंडाल में जब जयकारों के साथ भक्त लोग हाजिरी लगाएंगे वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखो देखना मत भूलना, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, माता रानी का गुणगान होगा और सुंदर सुंदर भजनों से हाजिरी लगाएंगे, सभी भक्त लोग नाचेंगे झूमेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।